ये विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये जो दिवस जो मनाया जाता है ना, इसका थीम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक है? थीम क्या था इसका? लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है? काउंट एवरीवन, ठीक काउंट है? थीम हमेशा इंग्लिश में याद करना चाहिए, ठीक है? भले आप हिंदी में बात में मैटर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है? विश्व रक्त, ये दोनों, ये थीम इंपोर्टेंट है, ये थीम इंपोर्टेंट, जिसका जिसका थीम इंपोर्टेंट होगा मैं मार्क करूंगा, आप उसको याद कर लेना। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून 14 जून को, ठीक है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून इसका थीम पांच इंपॉर्टेंट है, लैंड रजिस्ट्रेशन, डेजर्टिफिकेशन डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? इसका थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान रखना था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है, इसका थीम याद कर लीजिए, लैंड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या है, या डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलियंस, ठीक है? विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस, सॉरी, 31 मई को, ठीक है? 31 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई 22 मई, ठीक 22 मई है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई रेड क्रॉस का जो फाउंडर जो था उनका नाम था हेनरी ड्यूडेंट था, ठीक है? रेड क्रॉस को दुनिया में सबसे अधिक बार क्या मिला है? रेड क्रॉस को सबसे नोबेल ज्यादा बार क्या मिला है? नोबेल मिला, 3 बार मिला है। कितना बार मिला है? थ्री तीन टाइम्स बार मिला है, ठीक है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई 3 मई को, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल इंपॉर्टेंट, ठीक है? प्लानेट और वर्सेस बिहार का प्लास्टिक, पृथ्वी ठीक है? ध्वज, इनका थीम बिहार का 18 तारीख क्या था? नहीं 18 था ना नौ कुछ उसका, नौ नौ 9 अगस्त था, अगस्त सॉरी, नौ नौ अगस्त अगस्त नौ अगस्त 9 अगस्त की बात करेंगे। भारत छोड़ो क्या था वो, तो क्या भारत छोड़ो किस आठ पे शुरू अगस्त किया है यार? आगस्त क्रांति से भारत छोड़ो आंदोलन से, वो तो 8 अगस्त को था, 8 अगस्त था लेकिन, अगस्त। अरे वो अगस्त क्रांति लिखे हुआ था, 9 अगस्त ही लिखे हुआ था उसके, ठीक है? वो हम भी हाँ बोले थे 8 अगस्त होता है, लेकिन 9 अगस्त ही लिखे हुआ था, ठीक है? हाँ बिहार से विश्व सवाल हुआ कल विरासत दिवस कब भारत मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस से। 18 18 अप्रैल अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है? और ये पृथ्वी दिवस का थीम 18 अप्रैल क्या था? पृथ्वी दिवस का थीम बताइए, प्लानेट प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है? विश्व विरासत दिवस के 18, भारत का विरासत पशु कौन सा है? हाथी, ठीक है? बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें कब सूर्य, 7 मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 7 अप्रैल 7 अप्रैल को, ठीक है? इसका थीम क्या है? माई हेल्थ माई माई हेल्थ राइट, माई ठीक है? राइट। तो विश्व क्षय रोग दिवस की बात करेंगे, ट्यूबर क्लोसिस डे कब बनाते हैं? 24 मार्च यस वी कैन इन 24 टीवी, मार्च भारत का टीवी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? 2025 2025 हाँ तक, ठीक है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च बिल्कुल। विश्व जल 23 मार्च दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस, 22 मार्च चलिए इसका थीम बताइए क्या है? वाटर फॉर पीस, लेवरिंग वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर बिल्कुल, ठीक है? पीस लेवरिंग वाटर फॉर पीस, ठीक है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च 21 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च 16 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च भारत 15 मार्च में कब मनाते हैं? भारत में तो सितंबर में पैदा है, 24 एक 24 तारीख को मनाते हैं। 24 वाला कौन सा होता है? 24 क्या है? सितंबर है, 24 सितंबर है, ये 15 मार्च वाला अंतर्राष्ट्रीय है ना ये? नेशनल वाला सर 24 सितंबर है जहाँ तक जो हाँ, 24 सितंबर, ठीक लग रहा है, ठीक है? बताइए उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है जो कि कंज्यूमर राइट की बात करता है? यूएसए है, ठीक है? कौन है? यूएसए है, ठीक है? पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए बता दिया हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का? सर वेस्ट इन वुमेन 24 दिसंबर होगा ना? वेस्ट हाँ, 24 दिसंबर, 24 तो मुझे याद था, महीना नहीं याद था, इन 24 दिसंबर, ठीक है? ठीक है? इन्वेस्ट इन वुमन एक्सिलरेट प्रोग्रेस, ठीक है? प्रोग्रेस वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी 28 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, फरवरी 21 फरवरी इसका इतिहास भी इक्कीस बता सकता है हमें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन?
चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, देश था बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश में जो था ना, उर्दू भाषा को उनके ऊपर थोपा जा रहा था, तो बांग्ला भाषा के लिए ये लोग मांग कर रहे थे। तो वहां पे क्या होता, पाकिस्तानी आर्मी जो थी बांग्लादेशियों पे गोली चलाती है, उस 1971 से पहले की बात है, जिसमें बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे, निम्नलिखित बांग्लादेशी मारे जाते उसमें, ठीक है। उसके बाद मतलब यूएनओ ने इनको इसी बांग्ला भाषा को ही मतलब कोमरोड करते हुए मातृभाषा दिवस की शुरुआत की। तो ये बांग्ला भाषा के लिए था, हालांकि अब दुनिया की हर भाषा को बढ़ावा देने की बात होती है, लेकिन मेनली जो था बांग्ला भाषा के लिए ही आया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी बिल्कुल ठीक है। वेटलैंड दो एंड ह्यूमन फरवरी वेबलिंग, ठीक है। क्या लिखो, वेलबींग, ठीक है, ध्यान रखना है, ये 2 फरवरी को मनाते हैं। 75वां गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 2024 को हमारे यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। छब्बीस इसका थीम क्या था, विकसित भारत, जनवरी एंड विकसित भारत एंड भारत, लोकतंत्र की क्या है, भारत मातृका, मातृका मातृका क्या होता है भाई, ठीक है। ध्यान रखिए, 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस में हमारे अतिथि कौन थे, जनरल मातृका मैक्रो, इमैनुअल मैक्रोन, मैक्रोन ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आप पहले गणतंत्र दिवस में अतिथि शुक्रो शुकुर्नो, ठीक है, सुकर्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, नेहरू जी के मित्र थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी 25 जनवरी को मनाते हैं। नथिंग लाइक वोट, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, ध्यान में रखना। 25 जनवरी को मनाने के पीछे कहानी क्या है, इसी दिन आई थिंक इसकी स्थापना हुई थी ना, क्या निर्वाचन आयोग की स्थापना है, राइट। थल चुनाव आयोग की स्थापना सेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना दिवस। 15 जनवरी राष्ट्रीय युवा 15 जनवरी दिवस कब मनाते हैं, 12 जनवरी विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। 1 दिसंबर इसका थीम याद कर लो, ठीक है, नहीं डायबिटीज का पूछ सकता है, ठीक है। डायबिटीज दिवस 14 नवंबर 14 नंबर का मनाया, ठीक है, एक्सेस टू डायबिटीज किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। विश्व शहर दिवस, 31 अक्टूबर तो फॉर द लिविंग स्टैंडर्ड, रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे बढ़िया शहर कौन सा है। वीन ऑस्ट्रिया बियना स्टूडिया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर अक्टूबर को, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर और ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो किस देश की बालिका को समर्पित था, इस बार ऐसा कुछ क्वेश्चन में पढ़ा था, भूल गया, ईरान को था क्या, वो तो सर नोबल मिला था यार को। नहीं, ईरान को नोबल मिला था, लेकिन इस बार का बालिका दिवस जो था ना, किसी देश के बालिका को समर्पित किया गया था, आई थिंक वो हबीबी की, क्या नाम था, बालिका का देहांत नहीं हो गया था, किस देश की थी वो, सर यूसुफ हदीसी मलाना, हबीबी, नहीं यूसुफ मलाना, हाँ यार ओवर ईरान, रेटेड लड़की है वो, दुनिया में मोरल जो लड़की सबसे ज्यादा पुलिस ओवर रेटेड है, हाँ मोरल पुलिस, मोरल की वजह से ईरान की, ईरान के बालिका को ही समर्पित था ये डे, ठीक है, एक बार आप लोग चल के ना देखिए, इतिहास में दो सबसे ज्यादा ओवररेटेड अगर आदमी मुझे लगते हैं, ग्रेटा क्या नाम है, थनबर्ग की, क्या नाम है वो, एक मलाला यूसुफजई, ठीक है, जिसको दुनिया बहुत हाई रेट करती है, लेकिन मुझे कभी भी वो नहीं लगी, जैसे किसी जब एक बार नेहरू जी सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था, वाई बेस्ट टेकिंग गांधी एट वेरी सीरियस, ठीक है, ये जस्ट ए कॉमन पीपल, नथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसा ही उनका स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में, तो वेस्ट जो है गांधी को इतना सीरियसली क्यों लेता है, वही है, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई बकवास है, ठीक है, विश्व उनसे काबिल काबिल लोग हैं, हाँ उनको मिला है, ईरान की जो महिला को मिले, एक्चुअली में उन्होंने संघर्ष किया है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस की बात करेंगे 27 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस की बात करें 16 सितंबर को, ओजोन से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है तो क्या बताएंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिल्कुल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर 8 सितंबर को, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चलिए आप लोग से पूछूंगा, चलिए विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे, इस पर का थीम बताइए, वन बिहाइंड इसका काउंट एवरीवन थीम बताइए, लैंड रिस्टोरेशन डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलिएंस, बिल्कुल। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं, 31 मई बिल्कुल, 31 मई ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, ठीक है, मतलब उसको मना करने के लिए मनाते हैं, लोगों को पीने के लिए वो नहीं बढ़ाना पीते नहीं है उसको। बढ़ाना नहीं है, ठीक है, निषेध करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई दिवस
पृथ्वी दिवस का थीम बताइए। प्लैनेट प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। थीम बताइए। माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट, बिल्कुल माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। विश्व जल दिवस का थीम बताइए। बिल्कुल। मनाते कब है? 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। ये 15 मार्च वाला भारत वाला है कि विश्व वाला है? कंफ्यूज तो नहीं कर रहे सारे, भारत वाला है क्या? विश्व वाला, चेक कर लिए है? भारत में 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम बताइए। बिल्कुल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? सीवी रमन के, ठीक है, क्या मिला था? इसी दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, जन्मदिन उन्होंने नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नहीं दिया है ना, लेकिन प्रश्न सर्च कीजिए तो ऊर्जा संरक्षण 14 तारीख को आई थिंक है ना। 14 तारीख है, कौन से महीना में है? 14 नवंबर नहीं, विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। ऊर्जा संरक्षण क्या है? 14 दिसंबर, वही 14 ही कुछ लग रहा था। 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर, हाँ ठीक है। ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर है, ध्यान रखना। भारत में 31 अक्टूबर को कौन से तिथि के रूप में मनाते हैं? एकता दिवस, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। किनका जन्म है? तो पटेल साहब जी का जन्म है इसी दिन, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब सा है? 16 सितंबर। 16 सितंबर, ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, हमारे सूचकांक की बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा सूचकांक जो है काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में इसको रखना है, ध्यान से इसको करना है, ठीक है। इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा, इसलिए नहीं रहा इसे। चलिए, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक की बात करेंगे। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये किया जाता, प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका। बिल्कुल अमेरिका है, ठीक है, ध्यान रखें। भारत का स्थान की बात करेंगे तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक की बात करेंगे, सबसे अधिक यूनिकॉर्न किसके पास है? अमेरिका के पास में, फिर चाइना के पास में, फिर भारत के साथ में, ठीक है। एशिया पावर सूचकांक में बात करेंगे, लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। एशिया में सबसे टॉप पावर कौन सा है? भारत है, ठीक है, सॉरी अमेरिका है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? रशिया है। तीसरे, सॉरी, दूसरे नंबर पे आई थिंक चाइना है, तीसरे पे रशिया है, चौथा पे भारत आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अभी मैं कहेगा, हाँ, अरे उस हिसाब से नहीं होता जाता है, ठीक है। अमेरिका एशिया में आएगा कि नहीं आएगा? अमेरिका एशिया में बहुत पावरफुल है। बांग्लादेश में देखे शेख हसीना की गवर्नमेंट का क्या हुआ, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं से वो देश कहाँ, वो देश का प्रभाव किस महाद्वीप में कितना है, वो मैटर करता है। अमेरिका में, एशिया में अमेरिका के कई जगहों पे उसका मिलिट्री बेस है, मिलिट्री पावर के हिसाब से बात हो रहा है, उसको ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बात नहीं हो रहा है कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एशिया में तो रशिया भी आता है, रशिया भी सेकेंड या थर्ड नंबर पे होगा, लोबी इंस्टीट्यूट का जो आया है सो, ठीक है, सिडनी की संस्था वो जारी करती है। ग्लोबल फायर पावर में टॉप पे कौन है? अमेरिका, ठीक है। भारत का रैंक की बात करेंगे, 4 है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम चलते हैं आगे, एशिया में बेचारा सबसे कमजोर जो है ना किधर, अपना भूटान दर्शा है, ठीक है। अब आते विश्व निवेश रिपोर्ट की बात, के अनकार्ट के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा, विश्व निवेश रिपोर्ट अनकार्ट के द्वारा। इसमें अमेरिका टॉप पे, भारत निवेश करने में कितने नंबर पे है? 15, ठीक है, 15 नंबर पे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करेंगे तो जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, प्रथम तीन कोई नहीं, चौथा कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क। भारत का रैंक कौन सा है? 7 है, ठीक है। साइबर, पहला साइबर अपराध सूचकांक की बात करें, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्लस UNSW के द्वारा जारी किया गया है। तो साइबर अपराध में प्रथम पे कौन है? रशिया। रशिया है, ठीक है, ध्यान रखें। भारत का रैंक 10 है, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में बात करेंगे, बुर्कानो फासो जो है टॉप पे, भारत आतंकवाद प्रभावित की बात करेंगे तो कितने नंबर पे है?
बिल्कुल 14 नंबर पे है, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात करें, जो कि स्टार्टअप के लिए सबसे बढ़िया स्टार्टअप बिलिंग के द्वारा जारी किया जाता है, दुनिया में स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका। भारत का रैंक कौन सा है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स की बात करें, काफी इंपोर्टेंट इंडेक्स होता है, ये विश्व बैंक का है, ठीक है। विश्व बैंक वाला सारा ही आपको याद रखना है, ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक जारी करती है, टॉप पे कौन है? सिंगापुर, ठीक है। अभी भी भारत में फ्लिपकार्ट स्नैपडील यहाँ सबसे सामान ऑर्डर की जाए अमेजन वगैरह 4-5 दिन आने में लग जाता है, ठीक है। कोई कोई देश ऐसा है इसको बंद नहीं किया था, ठीक है। बंद उसको किया था विश्व बैंक ने फॉर द इसके चाइना की वजह से, जो कि व्यापार करने के हिसाब से जो सबसे बढ़िया देश जो था ना, उसे बार बार चाइना जो था अपने यहाँ मतलब वो कर रहा था, उसको बंद किया था। कौन सा रिपोर्ट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद किया है। किसको बंद किया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद किया है, इसको नहीं बंद किया है, ठीक है। उसमें चाइना का जो था बहुत अधिक वो हो रहा था, ठीक है, पैसा दे रहा था। ईज ऑफ डूइंग, हाँ बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो देश बढ़िया आएगा ना, उधर जो इन्वेस्टर क्या होगा उस रैंकिंग को देख के जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब इसको दबाव की वजह से बंद किया गया था, ठीक है। भारत का रैंक कौन सा इसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में? 38। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की बात करेंगे तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, टॉप में कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका। भारत का रैंक कौन सा है तो क्या बताएंगे? 39, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में टॉप पे कौन सा है? सिंगापुर। भारत का रैंक 39 है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संघ विपो के द्वारा जारी किया जाए, टॉप में कौन सा है बौद्धिक संपदा में? भारत का रैंक 40 है। ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, चर्चा में था, हाल फिलहाल में भी आया, 2022 में भी 40 था, अभी भी 40 ही है, नथिंग चेंज। अब लोकतंत्र सूचकांक की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है यहाँ पे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के इकोसिस्टम इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया, नॉर्वे टॉप पे है, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स नहीं है, दूसरा है, ठीक है। इंडिया का रैंक 41 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, तो इसमें बात करेंगे तो किधर गया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें अमेरिका टॉप पे है, भारत का रैंक 40 है, ठीक है। ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, ये जो है आपका, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब अमेरिका टॉप पे है, भारत 42 पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, मर्सर की रिपोर्ट आती है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो सबसे बात करेंगे सबसे पीस कंट्री की बात, नीदरलैंड। पेंशन। पेंशन है, पेंशन। अच्छा, वो पीस वाला भी आता, सॉरी ये पेंशन है, ठीक है, मर्सर की रिपोर्ट। नीदरलैंड पहले पे है, भारत 45 पे है, ठीक है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका टॉप पे है, भारत 49 नंबर पे, ठीक है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करेंगे तो फ्रांस जो है टॉप पे है, भारत 52 नंबर पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें कौन सा, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, भारत 56 नंबर पे है, ठीक है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो सिंगापुर की बात करेंगे टॉप पे है, गुड गवर्नमेंट में भारत का रैंक कितने नंबर पे है? 69 नंबर पे है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें WEF का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, ध्यान में रखना है। और इसमें स्वीडन टॉप पे है ऊर्जा संक्रमण में, और भारत 63वें नंबर पे है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक में सिंगापुर सबसे टॉप पे, भारत 72 नंबर पे AI की तैयारी में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को डेनमार्क जो है रूल ऑफ में पहले नंबर पे, भारत 79 नंबर पे है, ठीक है। भ्रष्टाचार बुरकान सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया, डेनमार्क जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन भारत में खूब है, भारत 93 नंबर पे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पे? सोमालिया में, ठीक है। अब आते लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करेंगे तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, फिनलैंड टॉप पे, भारत यहाँ पे 108वें स्कोर पे, थोड़ा सा सुधार हुआ है, 112 पे थे, 108 में लैंगिक असमानता में, इंग्लिश में क्या बोलता है इसको, क्या बोलते हैं इसको, जेंडर इक्वलिटी। बिल्कुल, जेंडर इक्वलिटी में भारत 108 नंबर पे, ठीक है। और बात करें फिनलैंड पहले नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो कर्सन वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है, 20 देश प्रथम स्थान पे, ठीक है, प्रथम स्थान पे इसमें 20 देश है जहां पे जीरो हंगर है। भारत का रैंक की बात करेंगे, हम लोग बहुत भूखे हैं, 111 नंबर पे, लेकिन दुख की बात है ना, जिसमें हमसे पाकिस्तान आ गए है, हमसे श्रीलंका आ गया है, जिसको नेपाल भी आ गया, नेपाल भी आ गया, बताइए। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2000
हाँ ये लोग अपने हिसाब से निकालता है वहाँ, थोड़ा आटा सा नहीं मिल रहा है बताइए, हम लोग भूखे हैं। हाँ, मतलब अपने हिसाब से निकालता है। ठीक है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2024 की बात बात करेंगे तो फिनलैंड प्रथम नंबर पे है, हम लोग 109 नंबर पे है। ठीक है, किड राइट्स इंडेक्स की बात करेंगे तो लग्जमबर्ग पहले नंबर पे है। किड राइट्स की बात कर, बच्चों का अधिकार भारत में 109, तो बच्चों का अधिकार तो भारत में हमेशा प्रभावित होते रहा शुरू से लेकर अंत तक, इसमें तो पिछड़ापन सही सी बात है, ये ठीक भी है, हम लोग चाहते इस रैंकिंग में पिछड़े हुए रहे। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, आइसलैंड सबसे शांत है, भारत 116 नंबर पे आता है। ठीक है, विश्व खुशहाली इंडेक्स में बात करेंगे तो भाई साहब फिनलैंड सबसे खुशहाल, हमसे 26 नंबर पे खुशहाली में हमारी रैंक है। ठीक है, 2023 में भी था, अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश है। ठीक है, ये साथ पूछा भी था साथ, खुशहाली वाला साथ यूक्रेन हमसे 69 ज्यादा नंबर खुश पे। है हाँ बिल्कुल, बहुत ठीक है। ग्लोबल सर। जेंडर गैप की बात करें, ये भी पूछा था आपका, 68 या 69 में WEF के द्वारा जारी करते। आइसलैंड की बात करेंगे, टॉप पे है भारत 129 नंबर पे है, 2023 में 127 पे थे, उससे पहले 135 पे थे, 135 से 127 पे आया था, अभी 129 पे है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो सिंगापुर है 100, सॉरी सिंगापुर टॉप पे है, 126 पे हम लोग है। तो हम लोग ध्यान में रखना है, तो पहले हम लोग ध्यान में, शांति में 126 पे है, जब शांति आएगी तो साथ में खुशहाली भी आएगी, तो दोनों में 126 पे है। ठीक है, मानव शांति को विकास सोलह सूचकांक है की, सर, शांति हाँ को तो 16 पे, शांति को 16 पे, तो शांति में कहाँ से 16 पे हो गए, सॉरी सोलह शांति में 116 पे, सॉरी खुशहाली में हम लोग 126 पे है और स्वतंत्रता में हम लोग 126 पे, मिस्टेक। और मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो 134 नंबर हमारा रैंक है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया है, इसमें हमारा रैंक, इसी पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, 159 नंबर हमारा रैंक दिया है। ठीक है, 161 नंबर जो था 2023 में था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, एस्टोनिया जो है ध्यान रखने टॉप पे है, 176 नंबर पे पर्यावरण में हम लोग आते हैं। ठीक है, इसमें सारा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे किसे बात करूं मैं रिपीट कर रहा हूँ, सूची बताना है आपको। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर में बताइए हम लोग का कौन सा रैंक है, ग्लोबल फायर पावर में चौथा बिल्कुल ठीक है, चौथा है। ठीक है, उसके और बाद के वैश्विक आतंकवाद बताइए। ठीक है, 14 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
14, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन में, बताइए लॉजिस्टिक प्रदर्शन में 38, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो 40, ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 41, ठीक है। बताना है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 69 नंबर पे, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे अटल जी के 25 दिसंबर, बिल्कुल। कृत्रिम बुद्धिमता में सबसे अच्छी तैयारी किसकी? सिंगापुर की। हमारी तैयारी की बात करेंगे तो 72वें नंबर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हमारी रैंक कितना है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार में हमारी रैंक 93। जेंडर इक्वलिटी की बात करें, जेंडर इनइक्वलिटी में 108। ग्लोबल हंगर में 111। वैश्विक शांति सूचकांक में 116, ठीक है। विश्व खुशहाली में 126, ग्लोबल जेंडर गैप में 129, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 126, मानव विकास सूचकांक में 134, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर्स। ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड, काफी चर्चा में रहता है, एनजीओ है, ठीक है। भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे उसके बाद, क्या बता सकते हो आप लोग? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मर्सर की रिपोर्ट आती है, ठीक है, मर्सर। हाँ, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 174, कहां से प्रश्न मेरा चेंज हो जाता है, बोलो ये आंसर है, ये कट कराइए।
तो विश्वार्थिक मंच की बात करेंगे, वैश्विक है, पूछ कह रहा हूँ, बता कह रहा है, अरे नाम नहीं पूछ रहा हूँ, संस्था का नाम पूछ रहा हूँ, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की WEF है, ठीक है, ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। जलवायु परिवर्तन कौन जारी करता है? जर्मन वाट। लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी की है, वो क्या जारी करती है? एशिया पावर, ठीक है। बाकी जो है आप लोग इसको पढ़ना आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा और करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्या है एक थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम 10 बिहार समाप्त करना है, किसी को बिहार समाप्त करोगे, थोड़ा इसको पढ़ा दो, पढ़ सकते 1:30 बजे तक, किसी को पढ़ा के समाप्त करें, पढ़ सकते, पढ़ा दो इसको एक पेज और पढ़ा के, बिहार पढ़ा के बंद करते हैं। यस सर, ज्यादा समय नहीं लगा, ठीक है। तो ये थोड़ा जीके का प्रश्न इसमें आएंगे, ठीक है, एक्चुअली में ये आपके करंट के कम है, जीके के इसमें ज्यादा रहेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक का विस्तृत वर्णन यहाँ पे दिया हुआ, एक पाकिस्तानी साहब है जिनका नाम महबूब उल हक साहब, ठीक है, पाकिस्तान का एकमात्र भले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन पाकिस्तानियों से वो भी नहीं देखा गया, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, मारपीट हुए, छोड़ के पाकिस्तान को जाना पड़ा, सही गलत देश में सही लोग पैदा होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता नहीं, ठीक है। तो शुरू करेंगे, मानव सूचकांक की बात करेंगे, ध्यान में रखना है सूचकांक, तब मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे, 2023-24 की जो रिपोर्ट जारी है कि 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया गया, तब मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट की बात करेंगे, सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया तो क्या बताएंगे, UNDP के सबसे पहले क्या वही जारी करती, सबसे पहले कब जारी किया गया सो मुझे पूछना चाहिए थे, कब किया गया 1990 में, ठीक है। इसमें दो अर्थशास्त्री का काफी योगदान है, एक तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और दूसरा जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिसका नाम महबूब उल हक, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर इस सूचकांक को विकसित किया था, कौन सा सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, दोनों को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इस सूचकांक के कितने आयाम है, तो इस सूचकांक के 3 आयाम है, ठीक है, लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याक्षा है, ठीक है, ध्यान में दोनों चीज, पहला में लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक और जीवन के जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, इसमें ज्ञान संकेतक में दो चीज आते हैं, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, एक तीसरा क्या है, एक सभ्य जीवन स्तर पर संकेतक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, इससे स्विट्जरलैंड शीर्ष पे, ठीक है। तो ये जो है मानव विकास सूचकांक में टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, उसके बाद आता है नॉर्वे और आइसलैंड, जबकि सोमालिया का स्थान अंतिम में है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक में किसका स्थान अंतिम में है तो क्या बताएंगे, सोमालिया जो है हमारा नीचे में, सोमालिया से क्या निकलता है, तो सोमालिया से निकलता है पायराट्स, ठीक है, जिसको बोलते हम लोग समुद्री डकैत, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वही आपका सोमालिया से निकलता है, ये आपका टॉप पे है, ध्यान में रखना। भारत 21-22 में 132 से फिसल गया, ठीक है, 134 पे आ गया है, इनमें भारत का स्कोर की बात करेंगे 0.64 पर है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक कितना है, तो 134 है, ठीक है। आप देखते हैं हमारे पड़ोसियों का रैंक, चीन 75 है, श्रीलंका 78 है, भूटान 125 है, अब बांग्लादेश 129 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इंडिया का रैंक 134 है, बाकी छोड़ना है। जन्म के समय भारत का जीवन प्रत्याक्षा 2022 में सुधार कर 67.7 हो गया, ठीक है, मतलब 67.7, अगर ये सब अगर घटेगा बढ़ेगा ना, तो इंश्योरेंस का कीमत वगैरह भी काफी इफेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना, इंडिया के रैंक की बात करें मानव विकास सूचकांक में कितना है, तो 134 है, कितना है 134, सबसे पहले इसको कब मतलब इसको घोषणा की गया था इसका, 1990, ठीक है, 1990 में किया गया था, और किस संस्था, कौन सी संस्था करती है तो क्या बताएंगे, संस्था का नाम क्या है, UNDP, UNDP करती है, कौन से अर्थशास्त्री ने इसे डेवलप किया, विचार किसने दिए तो क्या बताएंगे, महबूला, ठीक है। अब आते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है, तो भुखमरी सूचकांक की बात करेंगे, कर्सन वर्ल्ड वाइड के द्वारा, और ठीक है बेलथुंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है, ठीक है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक के 4 संकेतक है, पहला संकेतक की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, अल्प पोषण है, ठीक है, चाइल्ड स्टटिंग है, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग है, और उसके बाद करेंगे बाल मृत्यु दर, ठीक है। सबका महत्व अगर पूछा जाए तो यहाँ पे अल्प पोषण का महत्व दिया इन्होंने 1/3, चाइल्ड स्टंटिंग का दिया है 1/6 दिया, चाइल्ड वेस्टिंग का 1/6 दिया, बाल मृत्यु दर के 1/6 दिया। तो ये बहुत रेयर ही पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक के कितने संकेतक है, तो ध्यान रखना है 4 संकेतक है, ठीक है। अब पूछेगा टॉप पे कौन है, तो टॉप पे
20 देश टॉप पे है. कौन कौन देश टॉप पे है? 20 देश जो है टॉप पे है, ठीक है, जिसमें यूएई चीन आदि जैसे देश शामिल है, मतलब चीन भी पहले नंबर पे है, ठीक है, भुखमरी में. अब हम बात करते हैं यहाँ पे आप बोलोगे से तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स ये जानना पड़ेगा हमें, इंडिया का रैंक कौन है. तो इंडिया 111वें स्थान पे है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है. मध्य अफ्रीकी गणराज्य अंतिम 125वें स्थान पे है. तो हम लोगों ने 125 में से हम लोगों ने 111 स्थान को एकदम पकड़े हुए है. और बात करेंगे पैसिफिक भुखमरी सूचकांक में श्रीलंका हमसे आगे है, नेपाल हमसे आगे है, बांग्लादेश आगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी हमसे आगे है, ठीक है. श्रीलंका श्रीलंका बहुत आगे है, समझ रहे हैं. हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ठीक है. हमारी रैंक कितनी है? 111 है, ठीक है. कितने संकेतक है इसमें? संकेतक कितने हैं? चार है, ठीक है. किसके द्वारा जारी की जाती है वैश्विक भुखमरी सूचकांक? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये ध्यान. हाँ बिल्कुल. एक और भी है बेलफुंगर हिल पे, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है. और इसमें जो पाकिस्तान का रैंक 102 है, नेपाल 69, श्रीलंका 60, बांग्लादेश 81 और GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर 18.3 है, जो मध्यम है. हमारा रैंक कौन है, ध्यान रखना है? 111, ठीक है. हमारा रैंक 111 है. हमारी स्थिति कैसी है, ठीक है? हमारी स्थिति की बात करेंगे ना तो गंभीर स्तर के अंतर्गत हमारी स्थिति आती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है. मतलब मध्यम से भी खराब है, ठीक है, जिसका 18 औसत GHI का स्कोर 18.3 है, जो कि मध्यम है. और भारत का स्कोर 28.7 है, जो कि हम लोग गंभीर स्तर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा. बिल्कुल. अरे हमको लगता है ना हमारे यहाँ फास्टिंग वगैरह जो लोग करते हैं ना उसको भी लोग काउंट कर लेता है, क्योंकि फास्टिंग बहुत करते हैं, ठीक है. हो सकता है करवा चौथ वगैरह भी चल रहा है ना, तभी कम से कम हिंदुस्तान का कम से कम 20 करोड़ महिलाएं तो कम से कम फास्टिंग में होगी. किसी ने फोन किया गया क्या, भूखे हैं? तो बोलेगा हाँ भूखे हैं, कितने दिन से भूखे हैं? एक दिन से. हाँ ठीक है. हाँ तो हमको लगता है हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा फास्टिंग किया जाता है. कोई फेस्टिवल में तो लोग खाने पीने का ही त्यौहार होता है. सनातन धर्म एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे लोग फास्टिंग करते हैं, मतलब दिन भर भूखे रहते हैं एक्चुअली में. बहुत सारा फेस्टिवल में करते हैं लेकिन शाम में फिर खाते हैं आराम से. पता ही आपको किस रिलीजन के बारे में बात कर रहा हूँ. लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें. मतलब फास्टिंग भर छठ पूजा ही देख लीजिए, आई थिंक 3 दिन का फास्टिंग होता है उसमें, होता है कि नहीं होता है? विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करेंगे, ध्यान में रखना है. खुशहाली में हम लोग बहुत कम खुशी है, हम काफी खराब हमारा स्थान, बहुत दुखी है, ठीक है. 126वें स्थान पे हम लोग आ गए, ठीक है. किस स्थान पे हम लोग? 126वें स्थान पे, ठीक है. सबसे ज्यादा खुश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा खुश है फिनलैंड, ठीक है, जहाँ की एक प्रसिद्ध मोबाइल फोन की कंपनी आया करती थी जिसका नाम था नोकिया, ठीक है. तो नोकिया हमारे यहाँ इतना फोन बेच बेच के फिनलैंड इतना सुखी हो गया, समझ रहे हैं ना. चलिए तो नोकिया, हाँ तो यहाँ ये सब नॉर्डिक नेशन है ना, ये सब रहता है टॉप पे, ठीक है. तो ये सूचकांक जो है ध्यान रखिए 12वां संस्करण, ठीक है. विश्व खुशहाली सूचकांक का कौन सा संस्करण, एडिशन कौन सा है? 12वां है, ठीक है. इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया. ये तो नहीं पूछता है लेकिन हाँ इसमें ध्यान में रखना है मापने के 6 कारक है, ठीक है. इसके इंडिकेटर कितना है, कोई देश कितना खुशी है उसको मापने का 6 कारण है. प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, उसके बाद सामाजिक सहयोग है, जीवन विकल्प चुनने का, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है, स्वस्थ जीवन प्रत्यक्ष है, उदारता की बात करेंगे वो भी होता है, भ्रष्टाचार की धारणा है, ठीक है. तो कितने हैं ध्यान में रखना है? 6, ठीक है, ध्यान में रखना है कितना है. तो 6 है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. और फिनलैंड की बात करेंगे टॉप पे है, हम लोग की बात करेंगे 126 नंबर पे हम लोग आते हैं, ठीक है. सबसे कम सुखी की बात करें अफगानिस्तान है तो उसका कारण समझ में आता है, सबसे नीचे में 143वें नंबर पे, ठीक है. अगर बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुई थी, इसीलिए इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया, ठीक है. पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में प्रकाशित हुआ था. तो कब हुआ था? 2012 में, ठीक है. इसकी शुरुआत भूटान से हुई. भूटान बड़ा खुश देश माना जाता है, पता है, एशिया का आई थिंक सबसे सुखी देश उसी को माना जाता है, छोटा है, बहुत खुश है, ठीक है. अब आते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे. 2024 की रिपोर्ट आ गई, किसके द्वारा जारी किया? जर्मन वॉच के द्वारा. जलवायु परिवर्तन, भारत का रैंक कौन सा है? भारत का रैंक जलवायु परिवर्तन में 7वां है, ठीक है. कौन सा है? 7वां है, ठीक है. और पूछेंगे टॉप शुरू में कौन सा देश होता है, ठीक है. 1, 2, 3 पे कौन है? तो 1, 2, 3 पे कोई भी देश नहीं है. 1, 2, 3 पे कोई भी देश नहीं. तो भाई साहब चौथा पे होगा, तो चौथा पे कौन है? डेनमार्क है, ठीक है. भारत किस पे है?
तो भारत की बात करेंगे सातवें नंबर पे है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया, इसलिए पहले तीन स्थान पे कोई भी देश को नहीं रखा गया। चौथा पे डेनमार्क है। अगर बात करेंगे इसके इंडिकेटर की बात करेंगे तो चार चीजों का इसमें आकलन लगाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40% हिस्सा है, नवीकरणीय ऊर्जा को 20% रखा गया है, ऊर्जा उपयोग का 20% हिस्सा है, जलवायु नीति का 20% हिस्सा इसमें रखा गया, ठीक है। इंडिया का रैंक 7th है। टॉप पे बात करेंगे तो 1, 2, 3 पे कोई नहीं है, टॉप पे अगर बात करेंगे तो चौथा नंबर पे होने के बावजूद टॉप पे कौन है, डेनमार्क है, ठीक है। अब आते ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है, जिसको लेकर बीपीएससी प्रश्न कई बार पूछता है, इसके संस्था के बारे में पूछा था 69 में, ये रिपोर्ट कौन जारी करती है, ठीक है। तो इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश के अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से लैंगिक समानता नहीं हासिल की गई है, जैसे मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने पूरी तरह से लैंगिक समानता हासिल कर ली है। आइसलैंड की बात करेंगे टॉप पे है, उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान आता है। भारत की बात करेंगे तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितने है, तो 129वें नंबर पे है, ठीक है। और सबसे नीचे की बात करेंगे सूडान है, जिसका रैंक है 146 नंबर पे, ठीक है। इसके आकलन के घटक कौन सा है, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर जो कि भारत में बहुत ही मुश्किल से मिल सकता है, शैक्षणिक प्राप्ति जो कि मिल रहा है, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करेंगे तो इसमें भी आप वृद्धि होना चाहिए। क्यों होना चाहिए राजनीतिक सशक्तिकरण में वृद्धि, क्यों होना चाहिए, ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ, कौन सा विधेयक पास हुआ है जिसमें राजनीतिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। पीसीएस का तैयारी करते प्रत्येक उत्तर मुंह पे होना चाहिए, तो कैसे प्रश्न को कनेक्ट करते हैं, मातृवंदना 126वां नंबर क्या था, अधिनियम था कि 126वां नंबर बिल था 106 अधिनियम की, हाँ अधिनियम कितना हो जाएगा 106 बिल 126 नंबर, नारी क्या नाम था, बंधन शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है क्या, एक सौ फाइव नंबर का बिल था, 128 नंबर का, 128 अच्छा हो सकता है, हाँ 128 हो सकता है, ध्यान में रही था 106 नंबर का अधिनियम है ना, ये ठीक है ना, 106 वाला, हाँ ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। भारत का रैंक 129 है। चलिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 1989 से प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया। सूचकांक के चार कारक पे है, आर्थिक प्रदर्शन है, सरकारी कार्यशूलता है, कार्यकुशलता है, व्यावसायिक दक्षता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। 100 स्कोर के साथ सिंगापुर शीर्ष पे है, उसके बाद स्विट्जरलैंड और डेनमार्क का स्थान है, ठीक है। तो सिंगापुर शीर्ष पे है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, ठीक है। भारत की रैंक की बात करेंगे प्रतिस्पर्धात्मक में, भारत का रैंक 39 नंबर पे है, जबकि अंतिम स्थान पे बात करेंगे तो हमारा वेनेजुएला है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की, ये भी जारी कर दिया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। 1985 में ये संस्था स्थापित हुई थी, पेरिस स्थित गैर लाभकारी संगठन है जिसको बोलते हैं एनजीओ, ठीक है। इस सूचकांक का 22वां संस्करण, ये सूचकांक 5 संकेतकों पर आधारित है, राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। नॉर्वे पहले स्थान पे है, बाद उसके बाद डेनमार्क और स्वीडन है, ठीक है। इरिटेरिया अंतिम स्थान पे है, ठीक है, ध्यान रखना, 180 नंबर पे है। भारत 159वें स्थान पे है, 2023 में हम 161वें नंबर पे थे, और पत्रकारों के लिए स्थिति बहुत गंभीर है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा मामला है। हालांकि हमारे पत्रकार प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को पकड़ के अपना सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा ये सब पढ़ेंगे, ये सबको देख लीजिएगा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन प्रश्न आते हैं, ठीक है। और इसको हमको लगा था जल्दी जल्दी घिंचा जाएगा, लेकिन इतना छोटा छोटा टॉपिक है ना, इसमें समय लग रहा है, ठीक है। 47 पेज पे हम लोग पहुंचे अभी तक, कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत ज्यादा कंटेंट है, ठीक है।